ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखदाम। गाथाया अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। सब तत्वों का ज्ञान है, परम पुरुष विज्ञान। सहज योग अभ्यास है, दूर विहंग मजा। देख रहा है, देख रहा है हमारा अमर सदगुरु। लाठी वाला ईश्वर का दूत संदेशी, लाठी वाला सदगुरु, विहंगम योग के प्रणेता, अमर हिमालय योगी, ऐसी सत्ता जिसका कभी नाश नहीं होता, जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में अद्भुत मार्ग, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। कौन कह सकता है ऐसा, ये दे दूंगा वो दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अरे ऐसी सत्ता, जिस सत्ता ने सारा भार स्वयं ले लिया, मैं बतलाऊंगा विहंगम योग, पिंड ब्रह्मांड से ऊपर ले चलूंगा, अमी नद्य में अनहवाऊंगा। सुरती को उलट दूंगा, चेतना को ऊर्ध्वमुखी कर दूंगा, अपने लोक में, स्वयं के लोक में तुम्हें प्रतिष्ठित कर दूंगा, स्थित कर दूंगा, परमात्मा का दीदार करा दूंगा। कौन कह सकता है, कौन कह सकता है? अरे जिसने स्वयं उस परम सत्य को संस्पर्शित किया है, जो स्वयं उस परम सत्य में स्थित है, जिसने वह मार्ग देखा है, जो उस मार्ग का प्रदाता है, उसे ही कहते हैं सदगुरु, जो दे देता है भक्ति और जो दे देता है मुक्ति। साहब हम तो चल रहे हैं, हमें क्या करना है? हमें जो करना है वो करना है, और बाकी तो देखने वाला है लाठी वाला, वो देख रहा है, वो हमको देख रहा है, वो आपको देख रहा है,
वो सबको देख रहा है। और इसमें तो विशेष रूप से देखता है, इसमें वो विशेष रूप से देखता है। ये वार्षिकोत्सव समारोह है, ये अगहनी उत्सव है, यहाँ बैटरी चार्ज होती है। अगहनी उत्सव, वार्षिक उत्सव, सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार, हम सबका मनाते चले आ रहे हैं। सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है हम सबका, जो आता है यहाँ, जो इसमें सेवा प्रदान करता है, जो इस महफिल का आनंद लाभ लेता है, आत्मा की भूख मिट जाती है, आत्मा की प्यास मिट जाती है। लोक तो सुधरेगा ही, लोक तो सुधरेगा ही, हमारे मन में बड़ी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और मानव के मन में सहज स्वाभाविक रूप से ये है, हमारी जो सद इच्छा है, हमारी जो श्रेष्ठ इच्छा है, हमारे जो सत्य संकल्प है, हमारे जो सत्य भाव है, उनकी भी पूर्ति होती है यहाँ पर। यहाँ लोक सुधरता है, और लोक ही नहीं, जो हमारे परलोक को सुधार दे। एक जन्म का संबंध है, ऐसे ही नहीं बैठे हैं यहाँ पर हम सब, एक जन्म का संबंध है। एक जन्म का संबंध है सदगुरु और शिष्य का, बहुत बार नए जिज्ञासु आते हैं, बहुत बार नए जिज्ञासु आते हैं, पुराने कहते हैं कि ये नए आए हैं, स्वामी जी के समक्ष मेरे सामने आकर कहते हैं ये नए जुड़े हैं, ये नए आए हैं। अरे साहब, आप क्या जानते हैं कि ये कब से आए हैं, कब से हैं? बाहर से लगता है कि अभी आए हैं, अरे ये अभी नहीं आए हैं, ये कभी से आए हुए हैं, अभी तो उस धार से जुड़ गए हैं। एक जन्म का संबंध है, एक जन्म का सदगुरु और शिष्य का। साधना पूरी नहीं हुई, हमें मिला, हमें मिला विहंगम योग का ज्ञान, कब तक संबंध है सदगुरु और शिष्य का। सदगुरु एक प्रवाह है ज्ञान का, सदगुरु प्रदाता है भक्ति का, तब तक संबंध है सदगुरु और शिष्य का, जब तक शिष्य की आत्मा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती, जब तक पिया का दीदार नहीं हो जाता।
एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास। नया पुराना का क्या मामला है? अरे खेल निराला है, खेल बड़ा अद्भुत है। वो देख रहा है लाठी वाला, हम तो चल रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है। लेकिन सब बड़े हैं, सब बड़े हैं। जो जो इस मार्ग में आए हैं वो बड़े सौभाग्य वाले हैं। सदगुरु ने चयन किया है, कितने आएंगे, कब आएंगे, अब बिछुड़े कब मिलेंगे, कितने आएंगे, कब बिछुड़ के मिल जाएंगे, फिर कब निकल जाएंगे, कब निकल जाएंगे उस दरवाजे से, कब निकल जाएंगे उस अनंत के द्वार से, कब किस मानव जीवन से, कब उस परम आनंद का, परम शांति का एक शिष्य अनुभव कर लेता है, अपनी आत्मा को पूर्ण बना देता है। सारा विधान हमारे अमर सदगुरु ने बना के रख दिया है, हम तो बस चल रहे हैं उस पथ पर। किसका टिकट कब कन्फर्म होगा? ऐसे ही नहीं बैठे हैं यहां पर। यहां यहां कोई सत्संग के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, कथा के नाम पर, प्रवचन के नाम पर ऐसे ही नहीं चल रहा है कुछ। सबके पीछे एक तार है, एक धार है। सदगुरु देव का संकल्प है, क्या कहते हैं हमारे अमर सदगुरु, जरा देख लूं मैं, जरा देख लूं मैं। कि किस प्रकार से इस विहंगम योग का प्रसार हो रहा है। अरे प्रचार तो मैंने कर दिया, प्रसार तो मैंने कर दिया है। समय से हमारे जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो आएंगे, उनकी आत्मा तृप्त होगी, उनकी आत्मा मस्त होगी, वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। पूर्ण रूप मैं जानता, पूर्ण रूप मैं जानता, ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गूढ़ तत्व है, सदगुरु कृपा आधार। योग मुद्रा में स्थित होकर वो शक्ति आध्यात्मिक, सदगुरुदेव ने अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया। क्या कहा, क्या कहा सदगुरुदेव ने? हमारे अमर सदगुरु क्या कहते हैं? कहते हैं योगी वही होता है, योगी वही है जो जब चाहे, जब चाहे अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से
अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दे, आकाश मंडल से अपने भाव को प्रकट करता हो वही योगी होता है। शरीर तो उत्पन्न होता है, चला जाता है, वह शक्ति, वह धारा, वह प्रवाह, वह सत्ता अपने मंडल में विद्यमान है, सद्गुरु का मंडल है। वह सत्ता हमारे हृदय के भावों को बदल देती है। बहुत बार हम ढुलमुल नीति में आ जाते हैं, वो तो जगा रहा है, वो तो जगाने आता है, जागते रहो जागते रहो, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। इसीलिए सद्गुरु सत्ता का प्राकट्य होता है, वो तो जगाने वाला है, वो जगाता है और क्या करता है, छोड़ा देता है, छोड़ावन हार है, वो सद्गुरु है। लेकिन हमारे भीतर मोह बहुत है, आज से मोह है, आज से मोह है और आसक्ति आज से है। मन माया, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। आज से है मोह और आज से है आसक्ति। अनंत अनंत जन्मों से, अनंत अनंत जन्मों से आत्मा इस भव सागर में है, आते हैं चले जाते हैं। क्यों आए थे, क्यों आए थे और क्यों चले गए? ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। हमारे मन में बड़ी कामनाएं हैं, हमारे मन में अनंत की कामना है और आज से नहीं है। आज से नहीं है हमारी आत्मा इस संसार सागर में है। हम शरीर में हैं, हम संसार में हैं। संसार के संबंध, संसार के भोग, संसार के पदार्थों में रचे बसे हैं हम। चल रहा है जीवन, बीत रहा है जीवन, जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी है क्या, जीवन है क्या, क्यों मिला है ये जीवन, इसका कहां, किस हद तक, कितना बोध हो पाता है। जगा रहा है जगाने वाला, अरे अरे वह तो शिष्य की आत्मा को, वो तो शिष्य की आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से भर देता है, भर दिया है, भर रहा है, भरेगा। इस मार्ग में आके तो देखो, कृपा तो बरस रही है,
कृपा तो, कृपा तो बरस रही है, हमको न पात्र बनना है, हमें शिष्य बनना है, हमें सेवक बनना है। हमें शिष्य बनना है, सेवक बनना है। जिसकी आत्मा जितनी शुद्ध है, जिसकी आत्मा जितनी शुद्ध है उतनी ही कृपा मिलेगी उसको। भीतर में मामला कुछ है तो खेल बिगड़ जाएगा। भीतर में भरा है राग, अब भीतर में भरा है द्वेष, अब भीतर में भरा है कला, अब भीतर में भरा है कपट, भीतर में भरा है कंकड़, पात्र में है कंकड़, और ऊपर से डालेंगे खीर काजू किशमिश डाल के। पात्र को साफ करना होगा, पात्र को पात्र बनना है हमें। जल का झरना प्रपात सोम रस की धारा बह रही है, सद्गुरु ने कृपा कर दी है, ईश्वर का परम रहस्य हमारे भीतर है, कृपा करने वाले ने कर दिया है, हमें अब अपने ऊपर खुद कृपा करनी है। कृपा तो बरस रही है, अरे उसे ग्रहण करने की योग्यता विकसित करें, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, खुद को तपाएं, खुद को निखारें, बढ़ें आत्मा की तरफ। कृपा ने, कृपा करने वाले तो कर दिए कृपा। हमारे भीतर अनंत की शक्ति है, हमारे भीतर अनंत की ऊर्जा है, दूध के कणकण में मक्खन भरा है, ऐसे मक्खन नहीं निकलेगा, निकालना पड़ता है। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, युक्ति से प्रकट होगा। तो सब बड़ भागी हैं, सब सौभाग्य वाले हैं जो इस मार्ग में हैं, चल रहे हैं। प्रेम के अश्रु दिख रहे हैं, प्रेम के आंसू दिख रहे हैं, और शुद्ध आत्माओं पर विशेष असर दिख रहा है। असर नहीं, प्रकाश दिख रहा है। बहुत से कहते हैं कि मैं बड़ा प्रभावित हूं इस विहंगम योग के ज्ञान से, इसके 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 मैं इस विहंगम योग के प्रभाव को समझ रहा हूं, मैं स्वर वेद के प्रभाव को समझता हूं, मैं इससे प्रभावित हूं। बड़ा अच्छा ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, अनेकों इससे प्रभावित हो जाते हैं, होंगे, ऐसा स्वर वेद का स्वर है, ऐसा विहंगम योग का यह ज्ञान है। मैंने कहा, मैं कहता हूं, प्रायः कहता रहा हूं, अरे ये सद्गुरु देव का स्वर वेद और ये विहंगम योग, ये साधना, ये सत्संग,
ये प्रभावित करने के लिए नहीं है, ये ज्ञान के प्रकाश से आत्मा को प्रकाशित करने के लिए है। प्रभाव नहीं, प्रकाश। प्रभावित एक मदारी कर लेता है, बंदर को नचाकर कई को प्रभावित कर लेता है। ये प्रभावित नहीं करना, ये प्रकाश से भर देता है हमारी आत्मा को, ज्ञान के प्रकाश से भर देता है, ज्ञान का दीपक जल जाता है। ऐसा ऐसा ज्ञान, ऐसा ऐसा विहंगम योग का प्रकाश। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, क्या कहते हैं? रोने लगते हैं सामने आकर। क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? क्या मामला है? मुझे ज्ञात है, मैं जानता हूं, मेरा विवेक दृढ़ है, मुझे इसका ज्ञान है कि ये मार्ग स्वर वेद का, ये सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश, ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग की धारा मुझे ज्ञात है, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं इसका अनुभव कर रहा हूं। यह ज्ञान अद्भुत है, अलौकिक है, अनंत है। यह स्वर वेद आत्मा की ध्वनि है, आत्मा की पुकार है, परमात्मा का प्रकाश है। मैं अंतःकरण को शुद्ध करना चाहता हूं, मैं अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहती हूं। प्यास है, ये तड़प है, ये आग है, ये प्रेम है। लेकिन जैसी प्रभा में और जैसी तड़प में और जैसी भक्ति में जीवन आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पा रहा है। मैं भक्ति की मांग करता हूं, मुझे भक्ति चाहिए, अपनी भक्ति प्रदान करें हे सदगुरु। कामनाएं तो बहुत हैं, जहां भी हम सब जाते हैं भौतिक सांसारिक कामनाएं रहती हैं, ये सहज है। हमारी सद इच्छाएं रहती हैं, हम सब सबकी बातों को सुनते हैं बड़े सहज रूप में, बिना धैर्य खोए। स्वामी जी के समक्ष, मेरे समक्ष आकर हम बताते हैं, हम बताते हैं अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी कामनाओं के बारे में। बताने का अधिकार है हमें, पूरा अधिकार है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी जो प्रार्थना है भौतिक है, हमारी जो प्रार्थना है वो आध्यात्मिक भी तो है। बहुत बार प्रायः
अनेक सद इच्छाएं सद कामनाएं हमारे मन में जो इच्छाएं रहती हैं, जो आवश्यक इच्छाएं हैं घर के लिए, परिवार के लिए, सामाजिक अनुकूलताओं के लिए, उसके लिए हम कहते हैं, हमें कहना चाहिए पूरा करने वाला उसे पूरा कर देता है, हमें कह देना है वो शक्ति योग क्षेम का वहन करती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, सामने आते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई कामना नहीं है, भक्त भी तो चार प्रकार के हैं, एक अर्थ है, एक भक्त है जिसे कहते हैं आर्त, एक एक भक्त है जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा है, एक भक्त है, एक एक भक्त है अर्थार्थी, और एक भक्त क्या है, एक भक्त को क्या कहते हैं, एक भक्त है जिसे कहते हैं ज्ञानी भक्त, वो केवल भक्ति की मांग करता है, उसे केवल भक्ति चाहिए। बाकी सब बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि जो भौतिक कामनाओं से केवल जुड़ा है उसको हम कोई नीचे के कलास में ढकेल दे रहे हैं। शिष्य हमारे, शिष्य हमारे, शिष्य हमारे सब बड़े, शिष्य हमारे, शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुणन कर भेद, सदगुरु देव ने स्वरवेद में लिख दिया है, प्रकट कर दिया है। सबके अंदर एक भावना है, एक आर्त है जो दुखों से बचना चाहता है। और कौन नहीं दुख से बचना चाहता है, किसको सुख नहीं चाहिए और किसको शांति नहीं चाहिए। हमारा तो संदेश ही है, स्वरवेद का संदेश ही है, सुख शांति, सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। हेयम 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 दुखम अनागतम, आने वाले दुख से बचा जा सकता है। कर्म की यह यात्रा है, क्रियमाण संचित प्रारब्ध का यह खेल चल रहा है। अभी इसमें नहीं जाना चाहूंगा, एक बार गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही पकड़ लेता हूं, कुछ इतना गहन है, इतना सार है इस ब्रह्म विद्या में। इतना भेद छिपा है, जितना इसकी गहराइयों में जाएंगे उतना ही अधिक आनंद का अनुभव एक आत्मा को हो जाता है। भक्त कई प्रकार के हैं, सब प्रकार के थे, सब प्रकार के हैं,
और आगे भी सब प्रकार के भक्त रहेंगे। यही तो सदगुरु का संदेश है। इन कई बार जब बहुत ज्यादा मात्रा में लोक की, संसार की, परिवार की बातें आती हैं, तब यही समझ में आता है कि गहन रुचि है और ये सहज रूप से है, आज से नहीं आए, बड़ी मजबूत हैं जड़ें इसकी, अनुकूलता चाहिए। ज्ञान का आधार न छूटे, केवल कामनाओं से ही बंधे न रहे हम। सब नहीं बंधे हैं और कुछ बंधे रहेंगे। एक बंधन की अवस्था है और एक मुक्ति की अवस्था है। ये आत्मा की दो औपाधिक अवस्थाएं हैं। हम बंधन में हैं, शरीर का बंधन है, यात्रा बड़ी अद्भुत है साहब। कोई कहता है कि ये जीवन यात्रा है। सब यात्री हैं, चल रहे हैं, ये सफर है। सुबह सफर, ये शाम सफर, इस दुनिया का, इस जीवन का नाम सफर। चल रहे हैं, कैसा सफर है, कैसी यात्रा है। नदी में लकड़ी का एक टुकड़ा है, बहा जा रहा है। नदी के प्रवाह के साथ लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा है। ये जीवन है, बह रहा है जीवन। हमारे 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 कर्मों के प्रवाह के साथ बह रहा है जीवन। क्या है जीवन? कोई कहता संघर्ष है जीवन, कोई कहता प्रवाह है जीवन, चल रहा है जीवन, सफर है जीवन, सुख दुख का अनुभव है जीवन, अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव है जीवन। ये है जीवन। कोई कहता है यात्रा है जीवन, कोई कहता नौका है जीवन, झूल रहे हैं इसमें, डूब रहे हैं इसमें, उतर रहे हैं इसमें, सुख दुख की उहा पोह है जीवन। चल रहा है, जिंदगी बीत रही है, जिंदगी जीने में जिंदगी बीत जाती है। चल रहा है क्रम सुखों का दुखों का। आत्मा इस शरीर और संसार के बंधन में है। ये जीवन गुलाब का फूल है और इसमें कांटे। किसी को दिखता है गुलाब का फूल, वो इसे गुलाब समझता है, और किसी किसी को केवल कांटे दिखते हैं। किसी को सुख लगता है, किसी को दुख मिलता है,
दोनों मिश्रित भी हो जाता है। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, सुख दुखे मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्तितः। चल रहा है ये चक्कर, एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर मिलता है। अरे साहब, ये जो जीवन है अनमोल है, अमूल्य है, ईश्वर का महान प्रसाद है, ये मिला है सेवा के लिए, ये मिला है सत्संग के लाभ के लिए, ये जीवन मिला है साधना के अभ्यास के लिए। जीवन की वह पोह तो बहुत है, सत्संगति 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 सदगुरु शरण सेवा भाव विचार उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जग सार, यह विकर्म जग सार। आधार न छूटे सत्संगति का, आधार न छूटे सेवा का, सदगुरु का आधार न छूटे, तार आधार से जुड़े रहें, ऐसी कृपा सदगुरु की है, हमें लगना है। लगे रहना है, जागते रहना है, वो तड़प वो आग को जलाए रखना है। मार्ग मिल चुका है, अंधेरा छट रहा है, ज्ञान के प्रकाश के साथ बस अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना है। समापन की बेला है, ज्यादा नहीं कह सकता, अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू ही नहीं हुआ है। ऐसा ऐसा देने वाले ने दे दिया है, हम क्या करें, जो दिया है उसको पूछना चाहिए क्यों दे दिया है, हमने तो मांगा नहीं कुछ, हम मांगते नहीं कुछ, वो देने वाला दे देता, ऐसे ही ले लो, क्यों ले लें। अरे दे दिया है, वो कितनी कृपा कर दिया है। वो लाल लाल कर दिया है, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। अरे ज्ञान के रंग में रंग दिया है रंगने वाले ने, और जो रंग गया इसमें, अरे जो डूब गया इसमें, वो जानता है कि इसकी मस्ती क्या है, इसका आनंद क्या है। दर्श दीवाना बावरा, दर्श दीवाना बावरा अलमस्त फकीरा, दर्श दीवाना बावरा अलमस्त फकीरा, एक अकेला हवे रहा असमत का धीरा। हृदय में महबूब है, हृदय में महबूब है, हर दम का प्याला पिएगा कोई जौहरी, पिएगा कोई जौहरी, गुरुमुख मत वाला, गुरुमुख मत वाला। पियत प्याला प्रेम का, पियत प्याला प्रेम का, अरे प्रेम का प्याला है, जितना पी सको साहब, और आत्मा को मस्त बना लो। पियत प्याला प्रेम का, सुधरे सब साथी आठ पहर
आठ पहर झूमत रहे, जैसे मैं गल हाथी, जैसे मैं गल हाथी। बंधन काटे मोह का, बंधन काटे मोह का, बैठा निरसंका, वाको नजर न आवता, क्या राजा क्या रंग का, क्या राजा क्या रंग का। धरती तो आसन किया, धरती तो आसन किया, तंबू असमाना, धरती तो आसन किया, तंबू असमाना, चोला पहिरा खाक का, रह पाक समाना, रह पाक समाना। सेवक को सतगुरु मिले, सेवक को सतगुरु मिले, तब रही न तबाही, कहां कबीर निज घर चलो, जहां काल न जाई, जहां काल न जाई। जो डूबा है वो जानता है, बाहर बाहर नहीं, भीतर से डूबा है। अंतर नेह करो सदगुरु से, छाड़ कपट की टटिया। जितना कपट को हटाएंगे और जितना ईर्ष्या को, द्वेष को, कलह को, उतनी मस्ती में जिएंगे। ये बात है ना, है ना ऐसी बात। प्रेम का ऐसा प्रवाह, प्रेम का प्रथम भूमिका प्रेम है, प्रथम भूमिका प्रेम है। भक्ति नहीं बिनु प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है। नर जीवन मणि प्रेम, प्रेम का ऐसा प्रवाह। चकोर पक्षी है, चंद्रमा को एकटक देख रहा है, थोड़ा भी अपना सिर इधर उधर नहीं कर रहा है, चंद्रमा से चांद की चांदनी से, इतना प्रकाश, इतनी शांति ले रहा है। गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक